पड़ती है कि क्या फैसिलिटी है? देखो आज खाप पंचायतों की और किसान संगठनों के यहाँ उचाणा उपमंडल कार्यालय के अंदर महापंचायत हुई, जिसमें पूरे जींद जिले की 24 खापों ने भाग लिया और जितने भी हरियाणा के किसान संगठन है सभी संगठनों ने भाग लेने का काम किया। इसमें हमने मुख्य रूप से 4 प्रस्ताव पारित किए। पहला प्रस्ताव के हम जो ये सरकार तानाशाही करी है, असंवैधानिक तरीके से रोड रोके खड़ी है, किसानों को के साथ कुठाराघात कर रही है, किसानों की जो मांग है मुद्दे है उनको सुनना नहीं चाहती और जबरदस्ती कील रोडों पर गाड़ रखी है, रास्ते रोक रखे हैं, दीवारें चिड़ रखी है, उसके विरोध में हमने 4 प्रस्ताव पारित किए हैं। एक तो उपमंडल कार्यालय के सामने दिन रात का पक्का मोर्चा कल से लगाया जाएगा। दूसरा हमने एक प्रस्ताव पारित किया है, जो भी रोड ब्लॉक सरकार ने कर रखे है उसको जल्दी से जल्दी खोलने का काम करे, इंटरनेट को खोलने का काम करे और जो किसान नेता गिरफ्तार कर चुके हैं उनको रिहा करने का काम करे। यही प्रस्ताव आज इस पंचायत के माध्यम से हमने पास करने का काम किया है। हाईवे का एक साइड का रास्ता हम बंद करने का काम करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पब्लिक तंग होए। ये सरकार खुद रोड ब्लॉक करे बैठी है, सरकार ही जनता को तंग करना चाहती है। सरकार का उद्देश्य ये है कि जनता तंग हो कहने अरे रोडों पर आ जाए, सरकार की मंशा गलत है। हम कहते हैं कि सरकार ने किसान मजदूर की मांगों को जल्दी से जल्दी मान लेना चाहिए और इस आंदोलन को समाप्त करवाना। कितने बजे तक करेंगे बंद? कितने बजे करेंगे? ये दिन रात का मोर्चा रहेगा, हमने पक्का मोर्चा लगाने का काम कब से करेंगे? कल शाम से हमने निर्णय लिया है। कल का हमारा प्रोग्राम जो बीजेपी के कार्यालय है उनको घेरने का है। शाम को 4 बजे हम यहाँ पर पक्का मोर्चे की शुरुआत हो जाएगी, कल से शुरुआत करने का काम।